फिल्म्स और प्रोजेक्ट्स की जो न्यूज़ आती हो मैं जाके पढ़ता हूँ। डैड डैड है, मॉम मॉम है, इसका मतलब नहीं कि कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर मुझे ऐसे ही ले लेगा। और अगर मॉम डैड करे तो उसका एक उस मैसेज की एक एम्फेसाइज बदल जाती है। हेलो एवरीवन, दिस इज मी मीमो चक्रवर्ती एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन बॉलीवुड हेल्पलाइन। 10 साल पहले अगर मैं पीछे फ्लैशबैक में जाकर देखूं तो कभी ऐसा हुआ कि आपने कभी पापा को कहा हो कि यार पापा आप किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर को फोन कीजिए कि इफ मेरे लिए कुछ हो कहीं काम या मुझे कुछ मिल जाए? ठीक है, क्या होता था कि मैं तो ऑफकोर्स मैं एवरीडे मेरा मॉर्निंग का ये रिचुअल होता है आज भी कि जितने भी वेबसाइट्स हैं जिसमें फिल्म और प्रोजेक्ट्स की जो न्यूज़ आती हो मैं जाके पढ़ता हूँ कि यू नो कभी ना कभी इफ़ आई नो समबडी किसके थ्रू मैं अगर ऑडिशन कर पाऊँ या फिर मिल पाऊँ। तो पहले तो इतना एक्सेस नहीं होता था, पहले ऐप्स इतने नहीं होते थे, तो जब भी मैं कोई न्यूज़ पढ़ता था मैं इमिजिएटली बोल देता था मॉम और डैड को कि अगर आप एक बार एक मैसेज कर लो कि यार ये प्रोजेक्ट सुना है मैंने कि ये प्रोजेक्ट बन रहा है, आप एक बार मीमो से मिल लो। एक बार भी मैंने ना मॉम डैड को बोला ना उन्होंने भी ये एनकरेज किया कि हाँ आपको तो लेना ही पड़ेगा मीमो। क्यों? बिकॉज यू नो नोबडी ओज अस एनीथिंग, यू नो जस्ट बिकॉज डैड डैड है, मॉम मॉम है, इसका मतलब नहीं कि कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर मुझे ऐसे ही ले लेगा, यू नो। तो हमेशा ये मैसेज तो करते थे, कभी कभार रिप्लाइज आते थे कि यस 100%, फिर नहीं मिलते थे, कभी कभार रिप्लाइज आते ही नहीं थे। तो ट्राई तो किया है, बिकॉज देखिए ट्राई करना इंपॉर्टेंट है। मैं अगर किसी को मैसेज करूँ और अगर मॉम डैड करे तो उसका एक उस मैसेज की एक एम्फेसाइज बदल जाती है, यू नो। तो डेफिनेटली मैं उनके थ्रू रिक्वेस्ट करता था, वो करते भी थे, बट अभी मैंने बोल दिया छोड़ दो, अभी यू नो जैसा है वैसा ही है, चलेगा। क्या बात है जी।